हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ग्रेटकंच और मैं हूं लोकेश कपूर। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग एक बहुत ही मॉडर्न डिजाइन पीपीटी तैयार कर सकते हैं अपने पावरपॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन खोल लिया और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो लोग पीपीटी बनाते हैं वो ये डिज़ाइन जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं थीम्स में वही यूज़ कर लेते हैं और टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं जो भी उनको डिफ़ॉल्ट दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, आपको थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट्स करने होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे थीम दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट हैं। अगर आप उनके लेआउट्स में जाएं तो आप देखेंगे कि हर एक लेआउट में जो बैकग्राउंड है सेम ही है, जस्ट मास्टर स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका चेंज है। वो आप कहाँ देख सकते हैं, व्यू स्लाइड मास्टर, तो बस इसी में थोड़ा चेंजमेंट है और बाकी सब कुछ वही का वही है। तो इट इज़ नॉट डेट अपीलिंग, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द मॉडर्निटी ऑफ द पीपीटी दैट यू आर मेकिंग। सो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं। पहले तो सब क्लोज करते हैं। आजकल की जो पीपीटीज होती हैं उसमें देखेंगे इमेजेस का यूज़ होता है, ग्रेडियंट्स का यूज़ होता है, शेप्स का यूज़ होता है, शेडोज़ का यूज़ होता है और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो पीपीटी होती है वो हमें मॉडर्न लगती है। तो बैकग्राउंड है तो चलिए नई तैयार कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप को ये सब हटा लेना है। सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं एक इंट्रो। तो उसके लिए हम लोग जो है वो इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं, एक्सेल से, अंश स्लैश से और शटर स्टॉक से, फ्रीपिक से, कई सारी एप्लीकेशन सॉरी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स डाउनलोड की हुई हैं यहाँ पे pixels.com से। तो यहाँ पे वो है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नेचर की पिक को यूज़ करूँगा प्रेजेंटेशन में क्योंकि इट्स जस्ट ए इंट्रो। तो यहाँ पे मैं कर दिया। हाँ जी, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक शेप को। शेप फिल को आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल में आएंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सॉलिड फिल देना पसंद करूँगा। इमेज को यहाँ ठीक है। अब हम लोग अपना लोगो इंसर्ट कर लेते हैं कोई भी। ये इतना अच्छा लग नहीं रहा मुझे। यहाँ पे इसको लूँगा जिसके लिए यहाँ पे एक टैक्स ले लेते हैं। फ्रेश पेंच मैं यहाँ पे क्या करना पसंद करूँगा, इसका फॉन्ट यानी
प्रेजेंटेशंस। ओके दैट लुक्स प्रीटी गुड। बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे आप एक एनिमेशन दे सकते हैं छोटा सा। मैंने दे दिया है उसको एनिमेशन। कितना सही है। फिर दिस स्लाइड टेक्स्ट तो बस है नहीं।
So this way you can create some interesting designs.
So this way you can just create awesome PPTs. So thanks for watching, guys. Have a great day. Till then. PPTs, but I will also show you some website called giftfordesigner.com. Here you can find some amazing PPT templates that you can use in your projects. Just search it here, like there are some categories. Now you can use these templates as well, the feature rich, and they are all free to use. Just click download and we are ready to use it. Click here, copy this code right from here, paste it here, fill the captcha. And hit get this item. Shorten URL. I will choose 125 because I am not logged in. Okay, I will make a login first. You can log in by signing up to this website. I am not logging it for now, so let's leave it. You can download it and use in your template. So. This was all for today's video. Thank you so much. Please like this video and subscribe. Stay tuned. Bye bye.